सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। To receive the National Film Award for Best Actress, here with me is a beautiful lady from Maharashtra who has got an award, Best Actress Award, for her movie Dhak. So, Usha, will you tell me something about your role in the movie Dhak? Yes, definitely. First of all, thank you so much for congratulations. Dhak is a film which is based on a crematorium. एक बंदा जो है वो ये काम करता है, and it's a story about his family. So I've played a role called Dhak, called Yashoda in the film Dhak. Yashoda एक औरत है जिसका हस्बैंड ये काम करता है क्रेमेटोरियम का, एंड शी इज़ एक्चुअली ना उसको वो नहीं चाहिए कि वो उसका हस्बैंड जो काम करता है, बट स्टिल शी इज़ देयर सपोर्टिंग हिम, लिविंग देयर इन द क्रेमेटोरियम दे लिव एक्चुअली। उनके जो बच्चे हैं वहाँ खेलते हैं, जहाँ जलाते वलाते वहाँ वहाँ खेलते हो, सो शी डजंट वांट दैट कि उसके बच्चे वहाँ खेले, वहाँ पले, वहाँ बड़े। सो बहुत सारा झगड़ा करके ना उसने अपने बच्चों को स्कूल में डाला हुआ है, एंड बच्चों के साथ झगड़ा करती है, वो मारती है उनको कि तुम स्कूल में जाओ, यहाँ पढ़ो लिखो, हमें भी बाहर निकालो। सो बट एट टाइम एक ऐसा वक्त आता है उसकी ज़िंदगी में जब उसको उसके बच्चे को ही फोर्स करना पड़ता है यही काम करने के लिए, जबकि उसको पहले ये था कि वो अपना बच्चा तो एटलीस्ट ये काम ना करे। सो दिस इज़ If we talk about behind the scenes, you know, behind the camera scenes, movie की shooting के दौरान obviously film industry है तो कुछ ना कुछ मस्ती होती होगी, तो at times कभी ऐसे feel होता है कि serious role करते करते हंस पड़े, या आपको लगा कि क्या मैं कैसा डायलॉग बोल रही हूँ जिसमें मैं यू नो फीलिंग ही नहीं आ रही है, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं, फीलिंग नहीं आ रही ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे एक सीन पर्टिकुलरली याद है जबकि मैं अपने ना बच्चे को कृष्णा, उसका नाम है फिल्म है ना, वो मैं उसको लेके पकड़ के जा रही हूँ और मेरा हाथ ऐसा झटकता है, वो भागता है पलट के, और मैं पलटती हूँ और उसको उसका नाम लेके बोलती हूँ कृष्णा, ऐसा चिल्लाती हूँ। तो व्हाट हैपेंड कि फिल्म का लास्ट सीन था वो, और इतने दिन आदत हो गई थी ना, तो कृष्णा और उसका रियल नाम है हंसराज, तो मैंने क्या किया पूरा सीन में, मतलब इंटेंस रही थी सीन में कि मैं आ रही हूँ और ये कर रहा है, वो सब ये कर रहा है, मैं टर्न कर रही हूँ, भाग रही हूँ उसके पीछे ना, एंड लास्ट मुझे उसका नाम बोलना था, मैंने क्या कहा हंसराज, एंड वी वर लाफिंग सो बैडली, इट वाज रियली इंटेंस सीन, इतना मेहनत सब ने किया, एंड आई जस्ट सेड हंसराज, ओह माय गॉड, दैट्स अ सीन व्हिच आई रिमेंबर। बच्चों के साथ काम करना आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता होगा, बिकॉज बच्चे शायद से ज़्यादा जल्दी नहीं सुनते हैं आजकल के स्पेशली, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? विथ हंसराज इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस बिकॉज दैट किड हैज़ दैट इनोसेंस, पर ऐसा इनोसेंट बच्चा है क्या, गाँव का है तो अभी भी उसमें उतना इनोसेंस है, तो मेरा उसके साथ रैपो अच्छा था, मैंने उससे बहुत सारे रिहर्सल्स करवाया है कि चल ये बोल, वो बोल, ऐसा बोल, वैसा बोल, तो यार इट वाज रियल नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग विद उषा और यशोदा। तुला हे जे अवॉर्ड मिळालेलं आहे ते 100 इयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा कंप्लीट होत आहे त्यावेळेस मिळालेलं आहे, त्यामुळे हे अवॉर्ड खूप इम्पॉर्टन्स राहतं या अवॉर्डचं, तर तुझं काय मत आहे की तुला कसं वाटतं आता या अवॉर्ड मिळाल्यानंतर? डेफिनेटली मला खूप छान वाटतं, ॲक्च्युली खूप प्राऊड फील होतं सध्या, कारण 100 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत सिनेमा सृष्टीला, आणि त्यावर्षी मला हे पारितोषिक मिळणं खरंच माझ्यासाठी खूप नशिबाची गोष्ट आहे, अभिमानाची गोष्ट आहे। ग्रेट, आणि हे काय तुझी पहिलीच मूवी होती? इन लीड इट्स माय फर्स्ट फिल्म, म्हणजे याच्यात मी कॅरेक्टर रोल्स केलेत, बट इन लीड इट्स माय फर्स्ट फिल्म। वेल मुझे समझ नहीं आया, सो आई थिंक यू शुड यू नो एक्सप्लेन इट इन हिंदी सो दैट हमारे जो हिंदी व्यूअर्स हैं उन्हें भी समझ आ जाए कि आपने क्या बोला, राइट? प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा कि 100 साल पूरे हुए फिल्म इंडस्ट्री को, मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस साल मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपकमिंग मूवीज एंड व्हाट आर योर प्लान्स इन फ्यूचर? 100 साल पूरे हो गए, 101 पर साल जब आएगा तब तक हम कहाँ देख पाएंगे आपको, कहाँ कहाँ देख पाएंगे? तब तक मैं तो चाहती हूँ कि मैं सारी लैंग्वेज की एक एक फिल्म तो डेफिनेटली कर लूँ। सो यू आर कंफर्टेबल इन ईच एंड एवरी लैंग्वेज ऑफ योर फ्यू? या बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक्टर की या फिर फिल्म की कोई लैंग्वेज होती है, कि उसको कोई लैंग्वेज बांध नहीं सकती, कोई सीमा नहीं होती, तो मैं ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहूँगी, बंगाली एक्सप्लोर करना चाहूँगी, मलयालम एक्सप्लोर करना चाहूँगी, तो वो मेरी इच्छा है। एंड यू कैन स्पीक एवरी लैंग्वेज फ्लुएंटली, इज इट सो? एवरी लैंग्वेज आई कैन स्पीक हिंदी इंग्लिश मराठी, बट आई एम वेरी कीन ऑन लर्निंग।
आजकाल खूप जास्त म्हणजे रिजनल सिनेमाला नॅशनल फिल्म अवॉर्ड्स मिळत आहेत आणि त्यातल्या त्यात तू जर बघितलं तर मराठी इंडस्ट्रीला खूप चांगले अवॉर्ड्स मिळायला लागलेले आहेत. तर तुला कसं वाटतंय बिईंग अ पार्ट ऑफ मराठी फिल्म इंडस्ट्री अँड मराठी फिल्म इंडस्ट्री इज गेटिंग रिकग्निशन ॲट द नॅशनल फिल्म अवॉर्ड्स? सांगू का श्वासपासून थोडासा काळ चेंज झालेला आहे. कसं आहे की आता ना मराठीमध्ये चांगले कंटेंट येत आहेत, यंग डिरेक्टर्स येतात आणि दे आर कमिंग अप विथ गुड कंटेंट. तर त्यांना काहीतरी वेगळं करून दाखवायची एक जिद्द आहे आणि त्या कंटेंटमुळे ते कंटेंट घेतात, भांडतात, प्रोड्युसर शोधतात आणि ते अगदी जिद्दीने आणि चिकाटीने बनवत आहेत सध्या वेगवेगळ्या फिल्म्स ज्या लोकांना आवडतील. कारण कंटेंट लोकांना नेहमीच आवडतो, कंटेंट हा फिल्मचा हिरो असतो. ठीक आहे, बाकीच्या फिल्म्सला नसेल तरी पण ॲटलिस्ट कंटेंट हा फिल्मचा हिरो असतो आणि ते घेऊन येतात जे लोकांना टच करेल किंवा लोकांना म्हणतात ना की वेगळं काहीतरी बघायला नेहमीच आवडतं. So you mean to say that Marathi film industry is giving something vegala to the... Oh, definitely. It's giving something different from normal masala masala kind of a film. Marathi industry is... or any regional industry if you see na, like Malayalam films also getting good awards and all. So regional films are coming up with good content, something different from normal entertainment masala kind of films. Jo Marathi viewers hain unse request hai ki aap samjhe aur hame bhi samjhaiye ki inhone Marathi mein kya conversation kiya hai. Okay, thanks. Thank you.